खुशी बुटीक स्पेशल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सलवार की कटिंग करना बताऊंगी, बिना बेल्ट की जो सलवार होती है सिंपल, जिसमें बेल्ट नहीं होता है। तो इस सलवार की कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ, सिलाई कोर्स हमने स्टार्ट कर लिया है, ये रहा नंबर, यहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं 1000 रुपये में 2 महीने तक। और हाँ, जो पैटर्न होते हैं सिलाई के, कोई भी नाप का मंगवाना चाहते हैं, 25, 26, 27, 28, जैसे 50 तक, 25 प्रकार के पैटर्न हमारे पास मिल जाएंगे। आप पैंट का भी मंगवाना चाहते हैं तो पैंट का भी मिल जाएगा, ब्लाउज़ का मंगवाना चाहते हैं तो ब्लाउज़ का भी मिल जाएगा। और पैटर्न की ज़्यादा जानकारी के लिए भी ये रहा नंबर, यहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि आपको कहाँ से देखना है। तो आइए हम सिंपल सलवार की कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो आते हैं खुशी बुटीक चैनल पे और खुशी बुटीक स्पेशल चैनल पे। इस कपड़े में हमें सिंपल सलवार की कटिंग करनी है, जिसमें बेल्ट नहीं लगता है, बिल्कुल सिंपल होती है। तो सिंपल सलवार हमें इसमें 35 इंच रेडी करनी है, 35 इंच सलवार हमें रेडी करनी है। तो इसके लिए हमें, जैसे बेल्ट वाली सलवार में हम 4 इंच कपड़ा कम लेते हैं पार्ट के लिए, तो इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 35 और 3 प्लस 38, 38 इंच कपड़ा ले लेंगे हम सलवार के पार्ट के लिए। 38 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे। इस तरह से कन्नी की साइड से कपड़े को पलट लेंगे, जहाँ पे हमने 38 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ से कपड़े को अलग कर लेते हैं। अब देखिए, हमें इसमें पार्ट निकालने हैं। पार्ट की चौड़ाई ज़्यादा रह जाएगी तो हम इसकी चौड़ाई कम कर लेते हैं। पार्ट की चौड़ाई आप इसमें पूरी भी रख सकते हैं, जितना कपड़ा है इतनी चौड़ाई भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें 16 इंच चौड़ाई रखनी है। 16 मतलब डबल करते हैं तो इसमें 8 इंच रह जाता है। इस तरह से डबल करने पे 8 इंच पार्ट की चौड़ाई रह जाती है। यहाँ पे कपड़ा टेढ़ा है तो चेक कर लेते हैं, लंबाई कम ज़्यादा हो चुकी है, नहीं यहाँ से कान है तो ये कपड़ा निकल जाएगा। हमने जो 38 इंच कपड़ा कटिंग किया है वो रेडी है, 39 इंच, 1 इंच ज़्यादा ही कटिंग हो गया है। तो इस तरह से कन्नी की साइड से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है आपको, और इस तरह से आप पूरा कपड़ा लेना चाहते हैं तो पूरे कपड़े को 4 फोल्ड कर लीजिए, लेकिन मुझे पूरा नहीं लेना है, मुझे इसमें पार्ट की चौड़ाई 8 इंच रखनी है। इस तरह से 8 इंच पे कपड़े को मोड़ लेती हूँ, बराबर मुड़ा हुआ होना चाहिए पूरी लंबाई तक कपड़ा। अब यहाँ से कपड़े को अलग कर लेते हैं। हमें इसमें 38 इंच चाहिए लंबाई, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। अब इसकी कली कटिंग करनी है, हमें इसमें 8 इंच पोंचा रेडी रखना है, तो इसमें हम कली लंबी ही कटिंग करेंगे, पूरी 38 इंच की। इस कपड़े में हम कली कटिंग करेंगे, बाकी में इस सलवार में हमें बेल्ट नहीं लगाना है। तो ये बचा हुआ जो कपड़ा है, कन्नी की साइड से फिर से हमें डबल फोल्ड कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से डबल मोड़ लेंगे कपड़े को। अब लंबाई लेंगे पहले की तरह 38 इंच, यहाँ पे 38 इंच लंबाई ले ली कली की। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए, बाकी कपड़ा थोड़ा ही बचा है, देख लेते हैं आसन कितना चाहिए हमें। बाकी कपड़ा 16 इंच बचा है तो हमें 16 इंच आसन रख लेना चाहिए, क्योंकि 3 इंच कपड़ा वेस्ट चला जाएगा अगर हम ऊपर से जैसे नाड़ा डालने के लिए मोड़ेंगे
तो 2.5 इंच मुड़ जाएगा और आधा इंच यहाँ पे सिलाई में आ जाएगा, जो आसन के नीचे की सिलाई होती है, तो इसमें 13 इंच आसन रेडी रह जाएगा। तो इसलिए इसमें हमें 16 इंच आसन रखना है, 16 या 15.5 इंच आसन आपको रखना ही होगा। अब देखिए 16 इंच आसन यहाँ पे है, यहाँ पे भी हम 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब दोनों निशानों को मिला लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से कटिंग कर लेंगे, यहाँ से हमें सीधा कटिंग नहीं करना है, कोने की साइड से 1 इंच इस तरह से कटिंग करना है और फिर इस निशान पे कटिंग करना है। 1 इंच कपड़ा छोड़ देंगे यहाँ पे और फिर हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब देखिए चारों कलियाँ इकट्ठी कर लेंगे ऐसे, इस तरह से चारों कलियाँ इकट्ठी कर लेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा तिरछा कपड़ा आपको दिख रहा है इसको निकाल देंगे। अब देखिए इसके साथ में हम पार्ट रखेंगे, ये आसन है सलवार का, यहाँ पे सलवार का जो पार्ट है वो रह गया। अब इसका जो घेर है वो नाप लेते हैं, इसमें एक साइड 28 इंच का घेर हो गया है तो बिल्कुल सही रहेगा। सिंपल सलवार के लिए ज़्यादा घेर नहीं बनाना है सलवार का, ये सलवार का जो घेर है वो बिल्कुल सही रहेगा, इतना ही घेर होता है सिंपल सलवार में, ज़्यादा घेर की सलवार वो अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा घेर नहीं बनाना है। और इसमें हमें कोई बेल्ट भी नहीं लगाना है, यहाँ से कली को अलग कर देंगे। इस तरह की सलवार जो होती है वो कोई कोई लेडीज पहनती है, जैसे कोई दादी अम्मा होती है या फिर बुआ जी होती है, इस तरह की जो लेडीज होती है बड़ी, वो इस सलवार को पहनती है, तो उनके लिए हमें सीखना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने आपको सिंपल सलवार कटिंग करना बता दिया है। और पैटर्न के लिए आपको वीडियो जो देखना है वो ये रहा वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए और खुशी बुटीक स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।